लगातार चोरी और लूटपाट जैसी समस्याओं को देखते हुए राष्ट्रीय ट्रक ऑपरेटर वेलफेयर एसोसिएशन और दिल्ली पुलिस के बीच एक मीटिंग जिसमें तमाम ट्रांसपोर्टर, ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर शामिल हुए। यहां कोविड नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। यहां ट्रांसपोर्टर बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के बैठे हुए नजर आए। यहां ना तो सैनिटाइजर्स का प्रबंध किया गया और ना ही कोरोना से बचने का उचित प्रबंध किया गया। इस बैठक के बाद पुलिस ने ट्रांसपोर्टर्स को इलाके की समस्याओं को दूर करने का आश्वासन दिया है। साथ ही इलाके में सीसीटीवी की कमी की समस्या को भी दूर करने की बात कही गई। ढाई सौ 300 आदमी थे मीटिंग में। हमारी जो समस्याएं थी हमने प्रशासन से रखी हैं। उन्होंने यहाँ पे बादली के सचिव साहब आए थे, उन्होंने हमें विश्वास दिलाया है कि जो भी हमारी समस्याएं हैं उनको प्रेम से और उनका समर्थन। काम तो हमारा तो सचिव साहब ने कहा कि हमारे आदमी आते हैं सड़कें टूटी हुई हैं तो हम वहाँ नहीं पहुँच पाते, तो हमने उनको बताया कि हमारे यहाँ ट्रांसफर में 70 करोड़ का फंड बना है, ये सड़कों वाली समस्या खत्म हो जाएगी। हमारी जो आज प्रेजेंट में समस्या थी वो चोरी की थी, रोड जाम की थी। चोरी के लिए हमने उन्होंने सीसी कैमरे के लिए कहा, हमने अपने RTO/WO की तरफ से उन्हें पूरा आश्वासन दिया, जहाँ जहाँ भी आप पॉइंट बताएंगे हम आपका वेट नहीं करेंगे, प्रशासन की तरफ से कुछ हेल्प मिले हम अपने RTO/WO की तरफ से सब कैमरे प्रोवाइड कराएंगे। के अंदर जिस तरीके से कोविड के नियमों का उल्लंघन हो रहा है ये बड़ी सोचने का विषय है। दिल्ली के ट्रांसपोर्ट नगर में भी एक आयोजन हुआ कल, और उस आयोजन में ट्रांसपोर्टर्स भी थे और दिल्ली पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की किस तरीके से कोविड के नियमों को उल्लंघन किया गया वो बड़ा सोचने का विषय है। आपने देखा होगा दो वेव में कितने लोगों की जान गई कोरोना की वजह से, और अगर इस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की और कोविड के नियमों की अगर उल्लंघन किया गया तो आने वाली तीसरी वेव को भी कोई नहीं रोक सकता। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र TV एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र TV ऐप को, जो कि अवेलेबल है Google Play और App Store पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।